दोस्तों हम आ पहुंचे हैं नजीबाबाद। कोटद्वार 25 किलोमीटर, ये नजीबाबाद शहर। और कैमरे में तो शायद आपको नज़र नहीं आ रहा होगा, बाकी यहाँ से पहाड़ों के नज़ारे दिखने शुरू हो गए हैं और जल्द ही आपको भी हम दिखाएंगे लैंसडाउन की पहाड़ी। ये रास्ता रानीखेत की ओर भी जाता है। दरअसल हम आज भी अकेले आए हैं तो प्रोग्राम हम लैंसडाउन तक ही लाए हैं बनाकर, बाकी देखते हैं आगे का क्या मोड बनता है। पहले तो हम लैंसडाउन पहुंचते हैं। दोस्तों ये सामने का नज़ारा अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, कितना शानदार व्यू है। और ये पहाड़ी श्रृंखला, बरसाती नदी अगर आपको कैमरे में नज़र आ रही हो, ये नज़ारे हैं जो हमें अपनी ओर बुलाते हैं। इन नज़ारों को देखने के लिए हम बार बार पहाड़ों की ओर चले आते हैं। ये हमारे राइट में है रेलवे पुल, दोस्तों हमने कोटद्वार में एंट्री कर ली है। अब यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर दूर है सिद्ध बलि मंदिर, बाबा का धाम। दोस्तों यहाँ चेक पोस्ट पे तो हमें किसी ने नहीं रोका, लेकिन आगे जाके देखते हैं बाबा दर्शन देते हैं या नहीं। तो दोस्तों हमारे सामने है बाबा सिद्ध बलि धाम। यहाँ तक तो बाबा ने बुला दिया है, मौसम थोड़ा सुहाना हो गया है, देखते हैं आगे कोई बाधा तो नहीं। मंदिर का मेन गेट है और हम इधर साइड में
बाइक पार्क करें। दोस्तों गर्मी का बुरा हाल, खैर बाबा ने हमें दर्शन देने के लिए बुला ही लिया। हम मंदिर की सीढ़ियों पर हैं, प्रसाद ने ले लिया है। मैंने सोचा क्यों ना आपसे दो चार बातें कर ली जाएं। तो दोस्तों ये सिद्धबली मंदिर कोटद्वार से 3 किलोमीटर की दूरी पर है। यहाँ पर मनोकामना का बहुत अच्छा, बहुत ज़्यादा आस्था का विषय है। यहाँ पर मनोकामनाएं सभी की पूर्ण होती हैं। सही बोलूँ तो मैंने भी एक बार यहाँ मन्नत मांगी थी और मेरी पूरी हुई थी। उसके बाद मैंने यहाँ गुड़ की ढेली चढ़ती है वो चढ़ाई थी। तो दोस्तों आप अगर सच्चे मन से किसी मनोकामना को यहाँ आकर मांगते हैं तो वो ज़रूर पूरी होगी, मेरी ऐसी आस्था है। बाकी लोगों का विश्वास भी है, बहुत लोग यहाँ पर मन्नतें मांगने आते हैं। जब अपनी मन्नतें वो मांगने आते हैं तो एक चुन्नी यहाँ पर ऊपर एक स्थान है जहाँ पर बांध के जाते हैं और मन्नत पूरी होने पर फिर उसको खोलने आते हैं और अपनी श्रद्धा अनुसार कोई भंडारा का आयोजन करता है। तो दोस्तों दिखाते हैं आपको आगे का व्यू। से पैड़ी चढ़कर मंदिर में प्रवेश किया जाता है। ये इधर आने की सीढ़ियाँ हैं और ये मंदिर में इधर से जाने की सीढ़ियाँ हैं। दरअसल शाम का समय है, 4 बज चुके हैं। अभी थोड़ी देर बाद यहाँ पर बहुत सारे श्रद्धालु इकट्ठा हो जाएंगे। इस टाइम तो जो बाहर से आने वाले हैं लेट हो जाते हैं, वही लोग दर्शन करते हैं। आगे जाकर पानी की टंकी है, वहाँ पर हम पानी पिएंगे, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों ये पानी की टंकी है, यहाँ पर हमने अपना जल ग्रहण करके आगे की यात्रा सुचारू करेंगे। यहाँ पर जो अपने घर से गुड़ की भेली लाते हैं यहाँ पर वो बाबा को चढ़ाते हैं और मंदिर कमेटी द्वारा बहुत अच्छी व्यवस्था यहाँ पर सभी दर्शन प्रवासियों को सैनिटाइजर के लिए की गई है। ये बहुत बड़ी व्यवस्था है क्योंकि यहाँ पर सैकड़ों लोग प्रतिदिन सैनिटाइज दर्शनों के लिए आते हैं और उनको सभी को सैनिटाइज कराना बड़ी ही मेहनत का काम है जो ये मंदिर कमेटी द्वारा संचालित किया जा रहा है। ऐसी सुविधाएं दोस्तों हर जगह नहीं उपलब्ध कराई जा सकती। ये एक बाबा का दरबार ही ऐसा है जहाँ पर ये सुविधा सुचारू रूप से चल रही है। दोस्तों यहाँ पैड़ियों पर जाते समय जो ये शेड है, इस शेड में जगह जगह घंटियाँ लगी रहती थी जो कोरोना के कारण सब घंटियाँ बंद कर दी गई हैं और एक मुख्य द्वार पर घंटी और आपको नज़र आ रही है, ये भी कोरोना के कारण लाल कपड़ा इस पर भी बांध दिया गया है जिससे कि लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा ना छुएं। तो दोस्तों हम आ पहुँचे हैं मंदिर परिसर में। यहाँ अगर पहले हम सामने मेन मंदिर में प्रसाद चढ़ाएंगे, उसके बाद जो हमने चुन्नी ली है अपनी मनोकामना के लिए वो हम उधर साइड में आपको अगर नज़र आ रहा है जाल में जहाँ चुन्नी बांधते हैं सभी लोग, वहाँ पर चुन्नी बांध कर अपनी मनोकामना मांगेंगे। उसके बाद हम आपको मंदिर परिसर में आज्ञा लेने के बाद हम वीडियो बना कर आपको दिखाएंगे। अभी तो जो पुजारी हैं उन्होंने भक्तों को फोटो लेने के लिए मना किया है। तो चलो दोस्तों पहले हम प्रसाद चढ़ा लेते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपको। दोस्तों मेरे पीछे अगर आपको नज़र आ रहा है ये पूरा प्रांगण जो चुन्नी से भरा हुआ है, ये लोगों ने अपनी मनोकामनाएं मानकर ये चुन्नियाँ बांधी हुई हैं। जब किसी भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है तो इनमें से एक चुन्नी खोलने के लिए ज़रूर आता है। तो दोस्तों यहाँ रोज सैकड़ों भक्त अपनी मनोकामना पूर्ण के हेतु चुन्नी बांधते हैं और अपनी मनोकामना मांगते हैं। प्रांगण चारों तरफ देवी देवताओं की तस्वीरें, छत में भी शीशा जड़ा हुआ, पंखे आदि तक जलते हुए, ये श्री केदारनाथ धाम माता गायत्री श्री सिद्धबली धाम के हर एक दीवार पर श्री देवी देवताओं के चित्रण लगे हुए हैं और ये अंदर मेरे बाबा का दरबार है। बाबा का दरबार बड़ा ही सुंदर
बजरंग बली हनुमान तेरी सदा ही जय। ये सुंदर दरबार मेरे बाबा का, बाबा सिद्ध बली धाम कोटद्वार, यहाँ सैकड़ों भक्तों की मनोकामनाएँ रोज पूर्ण होती हैं। जय बाबा सिद्ध बली धाम तेरी सदा ही जय। दोस्तों ये सुंदर भव्य नज़ारा बाबा सिद्ध बली धाम का, मौसम बहुत सुहाना हो गया है। अभी आपको आगे का व्यू देते हैं। ये देखिए हमारे पीछे कोटद्वार शहर कैसे पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा हुआ, आपको शायद रोशनी नजर नहीं आ रहा है। सुंदर नज़ारा बाबा सिद्ध बली धाम के दरबार से, ये भव्य मंदिर। दोस्तों इस दरबार के बारे में मैंने आपको पहले बताया था, यहाँ पर एक बाबा थे जिन्होंने सिद्ध करके हनुमान जी को प्रसन्न किया था, और उन्होंने हनुमान जी ने फिर उनको दर्शन दिए थे। उसके बाद यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर हनुमान जी का स्थापित किया गया था, फिर भाव बढ़ता चला गया और मंदिर ने एक विकराल रूप ले लिया है। अभी यहाँ पर आप देख ही पा रहे हैं भव्य मंदिर बाबा सिद्ध बली धाम, और यहाँ पर अभी भंडारे वगैरह की व्यवस्था सब बंद की हुई है कोरोना के चलते। यहाँ पर एक एक साल तक नंबर नहीं आता भंडारा कराने वालों का। ये मेरे भोले बाबा का दरबार, और यहाँ पर जिलधारी द्वारा शिव पिंडी पर जल चढ़ाते हैं भक्त। आइए दोस्तों, हम भी सेवा का लाभ उठाएंगे।